और अब बारी है आर्थिक जगत के समाचार जानने की। इसके लिए चलते हैं अपने सहयोगी अजय मिश्र के पास। बहुत शुक्रिया राहुल। आज हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और आज का ये दिन काफ़ी अहम है लोकसभा में डेट रिकवरी के लिहाज से, क्योंकि आज नया बिल पेश होना है और इससे जुड़े चार जो बड़े अधिनियम हैं उसमें संशोधन की तैयारी कर रही है सरकार, जो आने वाले दिनों में डेट रिकवरी यानी जो कर्ज वसूली होनी है उसकी दुनिया बदल सकती है। शुरुआत करते हैं आज की टॉपलाइन से। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के चौथी किस्त में 919 करोड़ का निवेश अभी तक हो चुका है। चारों चरण में अब तक हुए 2240 करोड़ का निवेश। सोने पर मिलेगा 2.5% का सालाना रिटर्न। जुलाई के महीने में लगातार तीसरी बार तेल कीमतों में कटौती देखने को मिली। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 1.42 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। डीजल की कीमत में 2.01 रुपये की कटौती की गई है। नए कीमतें आज से लागू हो गई। अब खेती बाड़ी के कचरे से बायोमास बनाने के लिए कैबिनेट जल्द करेगी फैसला। पेट्रोल में 10% की जगह 22% तक बायो ईंधन मिलाने की गई है सिफारिश। रोड सेफ्टी पर भी होगा 10,000 करोड़ का खर्च। नितिन गडकरी का बयान। BSNL लगाएगा देश भर में 21,000 नए मोबाइल टावर्स। कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए कंपनी करेगी 7,000 करोड़ का निवेश। नॉर्थ ईस्ट पर होगा फोकस। और वक्त पर दायर करें अपना आयकर रिटर्न। 5 अगस्त तक बढ़ चुकी है समय सीमा। वक्त पर नहीं भरा रिटर्न तो नहीं मिलेगा रिफंड पर ब्याज का फायदा। टैक्स नहीं जमा कर पाने पर हर महीने 1% की पेनाल्टी। चलिए तो इन टॉप लाइंस के बाद अब दुनिया भर के बाजारों पर निगाह डाल लेते हैं। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को कैसे बंद हुए आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिकी बाजार से। अमेरिकी बाजार मिलाजुला रुख, 24 अंक नीचे डाउ जोन्स बंद हुआ। S&P 500 केवल 4 अंक ऊपर और नैसडेक भी 7 अंकों की बढ़त के साथ शुक्रवार को बंद होता नजर आया। यूरोपियन बाजारों की अगर बात करें तो वहां भी रुख कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बढ़त के साथ बहुत ही मामूली कारोबार FTSE 100 में, CAC 40 और डैक्स में भी बढ़त का सिलसिला लगातार जारी। अब देखते हैं कि एशियाई बाजार आज हफ्ते की शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं। निके की बात करें तो 80 अंक नीचे, कॉस्पी 14 अंक ऊपर, शंघाई कॉम्पोजिट बहुत ही फ्लैट और शंघाई कॉम्पोजिट फ्लैट के बाद SGX निफ्टी पर निगाह डालें तो केवल 25 अंक की बढ़त 7,812, यानी जो बढ़त का सिलसिला है वो शायद आज भी दिखाई दे सकता है। भारतीय बाजारों की बात करें तो भारतीय बाजार शुक्रवार को 157 अंक नीचे, सेंसेक्स और निफ्टी 28 अंक नीचे बंद हुआ। तो फिलहाल आज के अर्थ जगत में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं स्टूडियो राहुल और ममता के पास।